हेलो मेरी प्यारी यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भिंडी की सब्जी तो हम सब ने बहुत बारी बनाई है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन वाली भिंडी दो प्याज़ा, बहुत ही टेस्टी। आप इस तरीके से अगर भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो यकीन मानिए आप यही रेसिपी बार बार फॉलो करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए बनाते हैं दोस्तों लहसुन भिंडी दो प्याज़ा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसमें मैंने भिंडी डाल दी थी। ये करीबन आधा किलो भिंडी है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। तो मैंने एक प्याज को इस तरीके से क्यूब में बड़ा बड़ा काट लिया था। इन दोनों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो करीबन 5 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। भिंडी और प्याज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके थे, तो मैंने उसको एक सेपरेट बोल में निकाल लिया। अब हमने पैन में 1 टेबलस्पून के हिसाब से तेल डाला है। आधा टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। 9 से 10 यहाँ पे मैंने लहसुन को अच्छी तरीके से क्रश कर दिया था, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और लहसुन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन भिंडी दो प्याज़ा। और इसमें मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज को इस तरीके से पतला पतला स्लाइस करके भी डाल दिया है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारे प्याज थोड़े से गुलाबी ना हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे प्याज थोड़े गुलाबी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ जो कि इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो मैंने एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर इसमें लिया है और वो भी इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, ये वाली रेसिपी एकदम नई है। इससे पहले मैंने भिंडी की बहुत तरह की रेसिपी बनाई हुई है। सब रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पर दोस्तों ये वाली भिंडी एक बार बना के ज़रूर देखना। यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे ये भिंडी और हमारा ये प्याज। इनको हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें एक सार हो जाए। दोस्तों, ये सब्ज़ी दिखने में जितनी अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा गुना खाने में टेस्टी होती है। एक बार ही अच्छे से मिक्स करने के बाद करीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार और इसको स्टर कर लेते हैं ताकि नीचे से लगे ना, क्योंकि सूखे मसाले इसलिए नीचे से लग भी सकती है, इसलिए इस तरीके से स्टर कर लेते हैं। अब करीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ढक लेते हैं और 10 मिनट के बाद हमारी लहसुन भिंडी दो प्याज़ा बनकर तैयार हो जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है। आप इसको रोटी, पूरी, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। भिंडी का सीजन चल रहा है, इस तरीके से एकदम डिफरेंट स्टाइल की भिंडी ज़रूर बनाना, यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। चलिए दोस्तों बाय, वापस मिलूंगी ऐसी एक नई और इनोवेटिव रेसिपी।